हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल फिनांस के अंदर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का अर्थ क्या होता है। देखो, जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंस होता है डैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। और यहाँ पे देखो, जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेयर करते हैं तो इसके अंदर हम सिर्फ जो विजिबली इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को और जो विजिबली चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं उनका डिफरेंस हम लेते हैं। और यहाँ पे अगर देखो, फेवरेबल तब होता है जब हमारी विजिबल जो मटेरियल गुड्स की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है और विजिबल मटेरियल गुड्स की इंपोर्ट कम होती है। और अनफेवरेबल तब होता है जब क्या होता है कि विजिबल मटेरियल गुड्स की इंपोर्ट ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट कम होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है कि जितनी इंपोर्ट होती है उतनी ही एक्सपोर्ट होती है। अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी भी देश की कंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। जितनी भी एक गिवन पीरियड के अंदर जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं जो उस देश के नागरिक और दूसरे देशों के जो नागरिक होते हैं उनके जो मध्य इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर ये रिकॉर्ड करता है। और इसके अंदर क्या है कि तीन चीज़ें आती है। देखो, विजिबल आइटम्स जिनको हम कह देते हैं फिजिकल गुड्स, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनको हम पोर्ट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इनविजिबल आइटम्स होती हैं जो सर्विसेज होती हैं और जिनको हम पोर्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या होती है, कैपिटल ट्रांसफ़र्स होती हैं विच आर रिलेटेड टू द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द कैपिटल। और देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये रिसीट जो है पेमेंट से ज़्यादा है तो हम इसको कह देते हैं फेवरेबल है। अनफेवरेबल तब होता है जब इसकी जो पेमेंट होती है वो ज़्यादा होती है और रिसीट कम होती है। और बैलेंस तो ये हमेशा ही होता है क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। और देखो, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यहाँ पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है रिसीट विजिबल एंड इनविजिबल, और पेमेंट भी जो है विजिबल प्लस इनविजिबल। और ये जो होती है डिफाइंड पीरियड के लिए होती है, जनरली एक साल के लिए होती है। और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होती है डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होती है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। और अगर यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट के अंदर क्या है कि डिफरेंस है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो वहाँ पे नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और देखो, यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अंदर क्या है कि ये रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो है उसको ये इंक्लूड करता है। अब हम देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसकी कंपोजिशन क्या है। देखो, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि वो सारी ट्रांजेक्शन आ जाती हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं और जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स होती हैं। और उसी तरह जो सर्विस के अंदर क्या है कि बेसिकली हम डीलिंग भी करते हैं, पेमेंट्स भी करते हैं, जैसे गिफ्ट्स हैं, पेंशंस हैं, प्राइवेट रिमिटेंस है, और इसके अंदर विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी आ जाती है। और कैपिटल अकाउंट जो है ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रेफर करता है और जिसके अंदर क्या होता है कि वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई सीधा संबंध नहीं होता। इसके अंदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं और यहाँ पे गोल्ड की मूवमेंट्स आ जाती हैं। और उसी तरह क्या है कि जो इंटरेस्ट है ग्रांट्स की पेमेंट्स हो गई और जो इंस्टीट्यूशनल पेमेंट्स होती हैं, और उसी तरह गवर्नमेंट जो है लोन देती है या लैंड करती है। और यहाँ पे हम ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को है असेस करते हैं कि उसकी डेबिट और रिसीट इक्वल है। और उसी तरह देखो, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अंदर ये जो है रिसीट साइड है, ये जो है डेबिट साइड है। यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे हम लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे जो कमर्शियल कंपनी जो सर्विसेज रेंडर करती हैं। और उसी तरह जो डोमेस्टिक एक्सपर्ट सर्विसेज रेंडर करते हैं वो इसके अंदर रिसीट साइड पे आती है। और उसी तरह जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं वो खर्चा करते हैं, और उसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वो अवेल करते हैं उसके बदले में जो पेमेंट वो रिसीव करते हैं इंडिया के अंदर, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है। और उसी तरह क्या है, इनकम फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो गिफ्ट या डोनेशन हमें फॉरेन कंट्री से मिलते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जो फॉरेनर हमारे देश के अंदर मिक्स्ड एक्सपेंडिचर करते हैं।
और पेमेंट साइड के अंदर आ जाती है जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, और उसी तरह इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। सर्विसेज जो है जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज होती हैं वो जो सर्विसेज जिनसे हम लेते हैं, या कोई एक्सपर्ट जो होता है उनसे जो हम सर्विसेज अवेल करते हैं, और उसी तरह जो हमारे देश के नागरिक होते हैं वो दूसरे देश के अंदर जो खर्चा करते हैं, और उसी तरह क्या होता है कि जो हम फॉरेन ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं और उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं, और उसी तरह क्या होता है कि जो फॉरनर्स हमारे देश में निवेश करते हैं उनके बदले में जो उनको इनकम मिलती है, और उसी तरह फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट खर्चा करती है, और जो हम फॉरेन कंट्रीज़ को गिफ्ट या डोनेशन भेजते हैं, और उसी तरह जो मिक्स एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट इन द आवर रेजिडेंट इन फॉरेन कंट्री। तो ये सारी आइटम जो थी करेंट अकाउंट की थी। अब हम देखते हैं कैपिटल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट्स की, देखो रिसीट साइड पे है फॉरेन प्राइवेट लोन्स, इनफ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल, लोन्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड इनफ्लो, इंटरनेशनल सेल ऑफ गोल्ड एंड कैपिटल रिसीट्स। पेमेंट साइड्स पे आ जाता है रीपेमेंट ऑफ प्राइवेट लोन्स, आउटफ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल। देखो जो इनफ्लो है अगर हम लोन लेते हैं तो वो रिसीट साइड पे आता है, जब हम लोन की पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट साइड पे आती है, और उसी तरह अगर हमने किसी को लोन वगैरह फॉरेन के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जो रीपेमेंट आती है तो वो रिसीट साइड पे होती है, जब हम रीपेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट साइड पे होती है, और उसी तरह रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और उसी तरह जब हम गोल्ड को परचेज़ करते हैं और जो कैपिटल पेमेंट्स हैं वो सारी पेमेंट साइड पे आती हैं। और उसी तरह क्या है कि हम देखते हैं कि देखो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। देखो जब किसी देश का जो खर्चा है वो इसकी रिसीट से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि जैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है, तो क्योंकि ये हमेशा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पेमेंट एंड रिसीट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो जब करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट होता है तो वहाँ पे लोन अब्रॉड से लेके उस डेफिसिट को पूरा किया जाता है। और देखो जहाँ पे क्या होता है कि देखो कहाँ पे हम कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बढ़िया चीज़ है, जहाँ किसी देश के अंदर क्या है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है अगर वो तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है तो वहाँ पे जो डेफिसिट होता है वो हेल्दी साइन शो करता है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आ रही है जिसके अंदर वजह से क्या है कि ग्रोथ और इंक्रीज़ हो रही है। देखो कैपिटल अकाउंट जो होता है ये होता है कि जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है ये हमें बताता है कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस है क्या वो शॉर्ट टर्म लोन से फिनांस है या लॉन्ग टर्म से फिनांस है। तो ये जो फिनांस यहाँ पे कमर्शियल टर्म्स पे ऑब्टेन किया है या सॉफ्ट टर्म्स पे किया है, और जब देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर डेफिसिट होता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है तो ऑफिशियल रिजर्व को सेपरेटली रखा जाता है, बट अगर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को मिल के क्या होता है कि डेफिसिट होता है, पेमेंट करंट प्लस कैपिटल की जो पेमेंट है वो रिसीट साइड से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि डेफिसिट है, तो उसको ऑफिशियल रिजर्व के द्वारा क्या है उस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। और देखो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस का मतलब होता है कि डबल एंट्री सिस्टम पे बनाए जाते हैं, और रिसीट साइड जो होती है हमेशा पेमेंट साइड के इक्वल होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो BOP है ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए। और देखो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑपरेशनल सेंस के अंदर है तो इसको हम इकोनॉमिक बैलेंस भी कह देते हैं, जब करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो इसको हम कैपिटल अकाउंट की सहायता से क्या होता है कि इसको हम बैलेंस करते हैं, और जब डेफिसिट ऑफ अ करंट अकाउंट इज बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और उसी तरह क्या होता है कि जब कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है और करंट अकाउंट पे सरप्लस होता है तो उसकी सहायता से हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, और जब क्या होता है कि कैपिटल प्लस जो करंट अकाउंट है दोनों ही डेफिसिट होते हैं तब हम ऑफिशियल रिजर्व की सहायता से क्या होता है कि दोनों को बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीज़न जिसकी वजह से क्या है, नेचुरल कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जो कि मैं आपको अगली लेक्चर के अंदर जो है प्रॉपरली बताऊंगी।